मामा नजायज क्या होता है? मैंने पूजा वाले चाचू से भी पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस ऐसे घूर घूर के देखने लगे। मामा रुको, कुल्फी देर हो रही है। मामा रुको वरना चूरन चटा दूंगी। कुल्फी रुको। अच्छा रुक रहा रुक। ये माता रानी क्यों होया? ओ कुल्फी, देखो मैंने माता रानी को छू भी लिया और इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब माता रानी ने मुझे छूने से मना नहीं करा तो मंदिर वाले चाचू ने क्यों करा? ए लड़की, तू माता रानी को नहीं छू सकती। लो जी छू लिया, अब खाओ टिड्डे बारे डकार। मैंने तो 10 बार छू लिया माता रानी को। पर बाबा वो मुझे क्यों रोक रहे थे? वो क्योंकि वो माता रानी के मन को इस तरह नहीं समझ सकते जिस तरह तू समझ सकती है। मैं क्यों नहीं समझूंगी? माता रानी तो मेरी पक्की सहेली है। जब मुझे 2 चम्मच खीर मिलते हैं तब 1 चम्मच मैं उनको भोग लगाती हूँ, और जब 1 लड्डू मिलता है तो आधा उनका आधा मेरा होता है। एक दिन मैं जलेबी अकेले खा गई थी। खैर वो तो मैं उन्हें बाद में दे दूंगी, इतना तो हमारा चलता है। काश पंडित जी भी माँ के मन की बात तेरी तरह समझ पाते। क्योंकि तू तो सबसे बड़ी है मेरी सियानी बुढ़िया, सबसे बड़ी। तभी तो जब तू बड़ों से बात करती है तो सर उठा के बात करती है, और जब बड़े तेरे से बात करते हैं तो सर झुका के करते हैं। सियानी बुढ़िया। चल। ए क्यों है कुल्फी, तेरे को चोट लगी है? कोई बात नहीं, चोट लगी है तो ठीक भी हो जाएगी। लेकिन आज मेरी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। एक तो दूध का कनस्तर भी वहीं छूट गया, और आज से मंदिर में दूध देना भी बंद हो गया। ओ, खुद चिंता ना कर। जब एक काम बंद होता है ना तो माता रानी अपने आप दूसरा काम दे देती है। चल तू परेशान ना हो, आजा। ओ, कुल्फी। की कर रही है? मुझे तो आदत है, पर आपको मामी से डांट खाने के लिए शक्ति चाहिए। फिका? बेबे? आज मेरी पोती का जन्मदिन है, इसलिए तुझे पूछने चली आई। ये बरसों से संभाली हुई धरोहर क्या मैं उसे आज दे सकती हूँ? तेरा धरोहर तेरी, तेनु मेरे ते जात लेने की लोड़ नहीं हैगी। क्या अपना पुत्र, ये घर अपना होके भी पराया सा लगता है। इस घर की हर ईंट तुम्हारे ससुर के किए हुए एहसान याद दिलाते हैं। अब तो दुआ भी पूछ कर देने की आदत सी पड़ गई है। फिर ये धरोहर तुझसे बिना पूछे कैसे दे सकती?
कभी कभी तो गोटे वाली चुनरी भी मिल जाती थी मुझे, लेकिन इस कमीनी से तो बर्दाश्त नहीं होता ना। हाँ माता रानी, मुझे उठा ले, मुझे दीदी ना, मुझे उठा ले। आज तुझे चित्र पड़ेंगे दीदी, वो भी कम से कम 10। तू ऐसा कर, अम्मा की जूती छुपा ले। हाँ अम्मा की जूतियाँ ना बड़ी गुस्से वाली हैं। सोच, जब उसके जूते ने उसके पाँव को ही काट लिया था तो तेरा क्या हाल करेंगे। नहीं रहना इस दुनिया में, नहीं रहना मुझे। हेलो निहालो जी, गुस्सा ठंडा कर लो। ठंडा कर लो। अच्छा जी, दो मुझे। जी थोड़ा और ले आओगे? जाते जाते ना थोड़ा चार भी ले आना। अरे भिखारियों की चुन्नी सब छाए तो मैं मरी जाऊं। बोली कद्दू, देख लो अपनी माँ को आखिरी की बार। मरने जा रही हूँ मैं। अम्मा अच्छा खाना तो बनाते जाती। मनुष कुल्फी की वजह से ना मेरी औलाद की चपाल चलने लगी है। आज दिखाऊंगी मैं इसे निहालों का नकली डांस। ऐसे डसूंगी, ऐसी डसूंगी ना कि पानी तक नहीं मांगेगी। भाभी मारा कि इससे गलती हुई है, पर बच्ची को मार के क्या मिलेगा है? नहीं आज मारूंगी नहीं। क्योंकि मार खा खा के तो तेरी लाडली ढीठ हो गई है ना है? आज ना मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरे कलेजे को ना एकदम ठंडक मिलेगी। आज से ना तुम माँ बेटी का एक वक्त का खाना बंद। टिड्डे की माँ आप ये क्या कह रहे हो, ये दोनों तो बेचारे वैसे ही। अर्थ इस सूखी भिंडी की तरह मुंह लटका के क्यों खड़ी है? चल जाके कद्दू और बोली को नहला के तैयार कर, तब तक मैं ना इनके लिए गर्म गर्म खाना परोसती हूँ। अरे मुंह क्या देख रही है, चल जा। Happy birthday, baby. Finally, मेरी best friend और मेरी बेटी के birthday पे इतनी late. Sorry, babes. Hey, honey. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Myra. Yuji? मैंने अपने Myra के happy वाले birthday के लिए बहुत सारे बेस्ट गिफ्ट लाई हूँ। आंटी इट्स गिफ्ट्स। ओए आंटी होगी तेरी मासी, दोबारा अगर आंटी बोला ना तो मैंने छत्तर उतारने हैं, कह देती हूँ मैं। हाँ वैसे हूँ तो मैं लवली की बॉब, बट यू सी मैं उसकी बहन लगती हूँ, छोटी वाली। दीदी हम क्यों ना आते? नहाने से कोई फायदा नहीं होता, हमारी बेस्ट
रोज नहाती है पर आज तक गोरी नहीं हुई। भैंस गोरी की रही वो जाके भैंस से पूछो। अब जल्दी से नहा लो वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। हमने जरूर कोई पाप किया होगा जो माता रानी हमें स्कूल भेजती है, वरना हम भी तुम्हारी तरह आराम से घर पर रहते। हाँ दीदी, स्कूल में तो डांट पड़ती है। तुम लोग इतनी दूर डांट खाने जाते हो क्या? कद्दू को तो ज्यादा डांट पड़ती है क्योंकि वो मास्टर नीजी की बात नहीं सुनता। सुनता तो हूँ पर भूल जाता हूँ। पढ़ाई बहुत मुश्किल है। बकरी चलाना बड़ा आसान, तो बस पढ़ाई को भी बकरी चलाने जैसा समझो। कैसे, मास्टर नीजी को घास खिलाने ले जाए क्या?